सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक कार एसेसरी स्टोर। आज हम ब्रीजा जो लेटेस्ट नहीं 2022 मॉडल है उसके अंदर कुछ एसेसरी इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आपके फॉग लाइट नहीं है, फॉग लाइट इंस्टॉल होगी। ठीक है, इसकी साइड बीडिंग ओरिजिनल वाली जो कंपनी की, जैसे ओरिजिनल मारुति की, वो लगेगी। इसके डोर वाइजर्स हो गए, लोअर क्रोम हो गई। ठीक है, साथ में इसके अंदर हम लोग कॉम्पोनेंट भी डैम्पिंग शीट लगा रहे हैं, इसके अंदर हम अल्पाइन के कॉम्पोनेंट्स लगा रहे हैं इसके अंदर। साथ में इसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम है, वो बोल्ट वन कंपनी का वो इंस्टॉल हो रहा है। साथ में इसका मारुति का ओरिजिनल स्टेयरिंग, जो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल मारुति का ही बना बनाया था, वो लगेगा इसके अंदर। पूरा स्टेयरिंग चेंज हो गया। साथ में इसका ओरिजिनल आर्मरेस्ट मारुति का ही जो कंपनी का जेन्युइन आता है वो इंस्टॉल होगा। वो भी काम शुरू हो चुका है और भी एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल हो रही है। पीछे की ओरिजिनल ट्रे जो इसकी कंपनी की जेन्युइन ट्रे आती है वो लगेगी। इसका प्रॉपर आर्मरेस्ट है ब्रीजा का, प्रॉपर जैसे कंपनी का जेन्युइन आता है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अजीत इसको खोलना एक बार, खोल इसको एक बार। इसका ओरिजिनल मारुति का जेन्युइन आर्मरेस्ट, इसको खोलो यहाँ से। ओरिजिनल जो कंपनी से ओरिजिनल वही फिटेड हमने इसमें। ब्रीजा के अंदर बोल्ट वन कंपनी का एंड्रॉइड लगाया है, एप्पल का अपने भी वायरलेस, 4 GB रैम, 32 GB इंटरनल में, फुल डीएसपी इक्वलाइजर्स के साथ है, सारे डीएसपी के साथ। और इसके अंदर कपलर टू कपलर फिटिंग है, फ्रेम की आप फिटिंग देख सकते हैं, नहीं ब्रीजा की प्रॉपर फिटिंग है इसकी। और पीछे से इसके सॉकेट टू सॉकेट कपलर टू कपलर फिटिंग है। गाड़ी की कोई भी वायरिंग इसके अंदर हमने कट नहीं की हुई है, एंटीना टू सब कुछ कपलर टू कपलर फिटमेंट हुई है। अभी ब्रीजा का नया जो आर्मरेस्ट है ओरिजिनल वो फिटेड कर रहे हैं। इसका जो ओरिजिनल जो पैनल नीचे का ओरिजिनल फ्रेम है वो निकलेगा बाहर और पूरा फ्रेम टू फ्रेम फिट हो जाएगा। ये ओरिजिनल ब्रीजा का ओरिजिनल स्टेयरिंग मारुति का जेन्युइन। ओरिजिनल स्टेयरिंग है, बिल्कुल प्योर लेदर रैप हुआ हुआ इसके ऊपर, मारुति का जेन्युइन। साथ में इसका प्रॉपर हब भी आया हुआ है। साथ में हम इसके अंदर अल्पाइन के कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था। ये इसकी प्रॉपर इसकी जो रील हब है, ये प्रॉपर इसका डीजल का, ये भी इंस्टॉल होगा प्रॉपर। और भी एक्सेसरीज हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये रियर और फ्रंट की बम्पर की नीचे की स्लाइडिंग है जो इसकी पोर्शन में फिट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी खोल के। ये फ्रंट और रियर की पूरी फिटमेंट है जो एक हमें यहाँ पे इंस्टॉल होगी और एक बैक पे इंस्टॉल होगी। इसमें एक रियर की है, एक फ्रंट की है। ये रियर की है प्रॉपर। कभी इंस्टॉल होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लुक्स कैसी आ रही है। अब हमारी ब्रीजा रेडी हो गई है, रेडी करी है। हाँ, ये रेडी हो गई है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसी कैसी कौन कौन सी एसेसरीज हमारी न्यू ब्रीजा में लगी है। हमने इसके अंदर ब्रीजा के अंदर डोर वाइजर क्रोम लाइन वाले ओरिजिनल इसके गैलियो कंपनी के इंस्टॉल किए हैं। साथ में इसके अंदर नीचे लोअर क्रोम भी इंस्टॉल की है जो इसकी प्रॉपर है। साथ में इसकी ओरिजिनल मारुति की बेडिंग, साइड बेडिंग जो सिल्वर क्रोम में आती है वो इंस्टॉल करी गई है। ठीक है,
और साथ में हमने इसकी बैक पे भी ओरिजिनल ब्रीजा की ही ट्रे लगाई है, जो कंपनी से इसकी वही फिटेड ट्रे आती है प्रॉपर हैंगिंग वाली, आप देख सकते हैं। और भी चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। हमने इसके अंदर इसका ओरिजिनल आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया है, जो मारुति का ओरिजिनल ही आता है। इसमें स्लाइडिंग भी है, आप स्लाइड कर लें, साथ में यूजर्स के साथ है, स्पेस भी इसके अंदर प्रॉपर, जो मारुति का ओरिजिनल आता है आर्मरेस्ट, बिल्कुल कंसोल टू कंसोल एक्यूरेट फिट होता है। आपने हमने इसके अंदर, मैंने आपको दिखाया कि बोल्ट का हमने इसके अंदर एंड्रॉयड लगाया है, बोल्ट वन का एप्पल कार प्ले वायरलेस। और हमने इसका ओरिजिनल जो स्टीयरिंग मैंने इसका चेंज किया, हमने चेंज किया है, ये देखिए, हमने इसकी रिफ्लेक्टर लाइट भी इंस्टॉल की है इसके अंदर। बाकी मैं आपको इसके ऊपर स्टीरियो का भी सारे कंट्रोल चेक कराता हूं। मैं आपको सारी चीज दिखाता हूं इसके अंदर से चेक करके। हमने इसके अंदर ये स्टीयरिंग जो कंट्रोल लगाया है, इसके साथ सब कुछ वर्क कर रहा है। अगर आपको इसके अंदर म्यूट करना है, म्यूट हो जाएगा। अगर आपको उस पर जाना चाहिए वॉल्यूम पे, इसके सारे जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, इसके साथ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और ये जो एंड्रॉयड इंस्टॉल किया गया है, इसके अंदर 4GB रैम है और 32GB इंटरनल है, और एप्पल कारप्ले विद वायरलेस है, और सारे फीचर्स हैं, नेटफ्लिक्स से लेकर सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। दिखा देता हूँ, नेट फ्लिक्स भी है सब कुछ, जो सारे फीचर्स हैं सब कुछ है इसके अंदर। आपको फ्रेम की फिटिंग भी देख सकते हैं आप इसके अंदर, सब कपलर टू कपलर है, कोई वायरिंग अड़ी के अंदर इसके अंदर कट नहीं हुई है। एक बार आप फॉग लाइट भी ऑन करके दिखा दो जी, मैं आपको फॉग लाइट भी दिखाता हूँ, इसकी फॉग लाइट के लिए प्रॉपर फॉग लाइट भी हमने इसके अंदर फिट कर दी है, इसकी प्रॉपर फिटिंग आई हुई है। और हमने बम्पर के अंदर इसके अंदर एक चीज और इंस्टॉल किया, जो बम्परिंग टॉप एंड वर्जन में फिटेड आ रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर इसके नीचे की स्कटिंग है, ये फ्रंट बम्पर की भी है, और सेम ऐसे ही बैक पे भी फिट हुई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। होपफुली हमारी आपको ये ब्रीजा न्यू 2022 की वीडियो पसंद आएगी। हमारा इंस्टा पे पेज है क्विक कार डेली, आप उसे अपना फॉलो करें कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एक्सेसरीज और देखने को मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब पे चैनल है क्विक कार डेली, उसे सब्सक्राइब करें कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो एक्सेसरीज हैं और उसकी वीडियोज देखने को मिलती रहे। तो फिर हम गुड बाय।